अगर बात हो सबसे ज्यादा भरोसा की जाने वाली एक इंडियन ब्रांड का, तो आपके दिमाग में कहीं ना कहीं से टाटा का नाम जरूर से आया ही होगा। और इंडिया में जो लोग टाटा की चाय पीते हैं, टाटा का ही नमक खाते हैं और टाटा की ही गाड़ियां चलाते हैं, और आप कहीं ना कहीं किसी ना किसी तरीके से टाटा से जुड़े हुए ही होंगे। और रतन टाटा जी इंडिया के सबसे ज्यादा इज्जतदार बिजनेसमैन माने जाते हैं। तो क्या रतन टाटा ने ही टाटा ब्रांड की नींव रखी थी? आइए जानते हैं। असल में टाटा इंडस्ट्रीज की नींव जमशेद जी टाटा ने रखी थी, जो कि रतन टाटा जी के ग्रैंड ग्रैंडफादर थे। टाटा इंडस्ट्रीज का इतिहास 150 साल पुराना है। टाटा ग्रुप के गॉडफादर जमशेद जी टाटा ने इस विशाल बिजनेस के साम्राज्य की नींव रखी। इनका पुश्तैनी काम पुजारी का था, लेकिन उनके पिता मुसलमान जी टाटा ने बिजनेस में उतरने का फैसला लिया और इसका पूरा प्रभाव जमशेद जी टाटा पर भी पड़ा। और मात्र 14 साल की उम्र में ही वो अपने पिता के साथ रहने मुंबई चले गए थे और एल्फिंस्टन कॉलेज में दाखिला लिया। और जमशेद जी टाटा ने बिजनेस में उतरने का फैसला उस वक्त लिया जब सभी भारतीय अंग्रेजों से दबा महसूस करते थे, और शुरुआत में उन्हें कुछ असफलताएं भी मिली, लेकिन उन्होंने कभी हार नहीं मानी। और इसके बाद 29 साल की उम्र में ही जमशेद जी ने 21,000 की पूंजी के साथ 1859 में मुंबई में अलेक्जेंड्रा मिल की स्थापना की, और ये फैसला टाटा ग्रुप के बिजनेस के साम्राज्य की नींव बना। और इसके बाद टाटा ग्रुप में शुरुआत से ही अपने मजदूरों और कर्मचारियों के कल्याण के लिए कई काम किए, और इन्हीं कारणों से वो सभी कर्मचारियों ने टाटा ग्रुप की पहचान एम्प्लॉय वेलफेयर ऑर्गेनाइजेशन के तौर पर करने लगे। जमशेद जी ने 1880 से लेकर 1904 तक अपनी आखिरी सांसें ली और टाटा ग्रुप को खड़ा कर दिया। आज की तारीख में टाटा ग्रुप 29 कंपनियों को संचालित करता है, जिनमें TCS, टाटा मोटर्स, टाटा पावर, टाटा स्टील, टाइटन, वोल्टास, टाटा केमिकल्स और टाटा कम्युनिकेशन शामिल है। और इन कंपनियों को मिलाकर टाटा ग्रुप की कुल नेटवर्थ $311 बिलियन है, जो कि इंडियन रुपीज में कितना हुआ नीचे कमेंट बताइएगा।